जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की विनम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे तीन काम कीजिए, पहला भगवान का नाम जप, दूसरा बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग और तीसरा भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीनों न हों तो दो करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का ना जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश कीजिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान का नाम ही है और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए, कल्याणकारी ही होता है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरि नाम। और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए, सारे पाप तापों से छुड़ाने में वह पूरा समर्थ है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, कलयुग में जो प्रतिदिन कृष्ण 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 उच्चारण करेगा उसे नित्य 10,000 यज्ञ तथा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स, जिसके घर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वही सारे धाम हैं। जो पुरुष एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह निश्चित ही 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर चुकता है। समस्त यज्ञों, लाखों व्रत, संपूर्ण तीर्थों का स्नान, सब प्रकार के तप, अनशन आदि व्रत, सहस्त्रों वेद पाठ, पृथ्वी की 100 परिक्रमाएं, ये सब श्री कृष्ण नाम जप की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राम 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 इस प्रकार बार बार जप करने वाला चांडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने केवल नाम का उच्चारण करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनका आश्रय छोड़कर तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भटकने की क्या आवश्यकता है। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है वह मुख ही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जहाँ नमो नारायण रूप से आवृत का विस्तार करती हुई इन शब्दों को दोहराती हुई प्राची सरस्वती वाणी रूपी नदी बहती है, वह मुख ही परम तीर्थ है। माता देवहूति जी कहती हैं, ओहो, वह चांडाल ही सर्वश्रेष्ठ है जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराज रहा है। जो आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि
ये दो शब्द विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार तीर्थों की तुलना में भगवान नाम का महात्म्य सर्वत्र गाया गया है। ऊपर उसमें से कुछ ही श्लोक उद्धृत किए गए हैं। नाम की महिमा अतुलनीय है, विशेषतया कलयुग के प्राणियों के लिए तो भगवान नाम ही एकमात्र परम साध्य और परम साधन है। जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका। यहाँ नीचे कुछ नाम महिमा के महान वाक्यों का अनुवाद दिया जाता है। उनसे यदि पाठकों का ध्यान नाम जप कीर्तन की ओर आकर्षित हुआ और वे भगवान नाम जप कीर्तन में लग गए तो उनका और जगत का महान कल्याण होगा। भगवान के पवित्र नामों के जप कीर्तन में वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, स्त्री सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं। सभी भगवान का नाम कीर्तन करके पापों से मुक्त हो सनातन पद को प्राप्त कर सकते हैं। न तो भगवान नाम में देशकाल का नियम है, न शुद्धि अशुद्धि का, और न अपवित्र पवित्र अवस्था का नियम है। चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे जैसी स्थिति में चलते फिरते, खाते पीते, सोते, सभी समय भगवान के नाम का कीर्तन करके मनुष्य बाहर भीतर से पवित्र हो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों से कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के द्वारा डसे जाते समय, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विवशता से, अभ्यासवश, बिना किसी प्रयत्न के हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों, जान या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारित करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। भगवान शंकर देवी पार्वती से कहते हैं, राम, यह दो अक्षरों का मंत्र जपे जाने पर समस्त पापों का नाश करता है। चलते बैठते सोते जगते जो मनुष्य राम नाम का कीर्तन करता है वह यहाँ कृतकृत्य होकर जाता है और अंत में भगवान हरि का पार्षद बनता है। राम यह मंत्र राज्य है, यह मंत्र राज है, यह भय एवं व्याधि का विनाशक है। उच्चारित होने पर यह द्वै अक्षर मंत्र राज पृथ्वी में समस्त कार्यों को सफल करता है। गुणों की खान इस राम नाम का देवता गण भी भली भांति गान करते हैं। अतएव हे देवेश्वरी, तुम भी सदा राम नाम कहा करो। जो राम नाम का जप करता है वह सारे पापों से छूट जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री